पिछले सप्ताह 77.8 करोड़ डॉलर की गिरावट के बाद देश की विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर बड़ा उछाल आया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की आंकड़ों के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 2.563 अरब डॉलर बढ़कर 581.131 अरब डॉलर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे पहले 11 दिसंबर को खत्म सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 77.8 करोड़ डॉलर की गिरावट आई थी। इस गिरावट के बाद पिछले सप्ताह ये 578.568 अरब डॉलर रह गया था। इस वर्ष 5 जून को खत्म सप्ताह के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार 500 अरब डॉलर और 9 अक्टूबर को खत्म सप्ताह के दौरान 550 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया था। RBI के मुताबिक 4 दिसंबर को खत्म सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति FCA में बढ़ोतरी हुई, जिसका असर विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों पर देखा गया। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 1.322 अरब डॉलर चढ़कर 537.727 अरब डॉलर पर पहुंच गई। पिछले साल के आखिरी सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 27 दिसंबर 2019 को समाप्त सप्ताह में 2.52 अरब करोड़ डॉलर की बढ़त से 457.46 करोड़ 80 लाख डॉलर दर्ज किया गया था। बता दें कि RBI हर सप्ताह ये आंकड़ा जारी करता है। विदेशी मुद्रा भंडार एक या एक से ज्यादा मुद्रा में रखे जाते हैं। आमतौर पर भंडार डॉलर या यूरो में रखा जाता है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।